ईवीएम मशीन में कैद हो रही है, वहां से बेंगलुरु से जहां पर आप खड़े हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ के अगर हम बात करें, बेंगलुरु से बात करें, तो यहाँ पर जो आपके मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं जगदीश शेट्टार, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी अगर हम बात करें जी परमेश्वरा, जो कांग्रेस के राष्ट्र जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर बेंगलुरु से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा शोभा, जो केजीपी की एक मुख्य नेता है, येदुरप्पा के बाद उनका नाम आता है, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बड़े काफी नाम हैं। पूरे कर्नाटक की बात की जाए तो येदुरप्पा हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब जनता का जो जनादेश है, जनता का जो समर्थन है, इन नेताओं में से किसको सबसे ज्यादा यहां पर मिलता है। और उसके बाद एक राज्य की नई तस्वीर जो है, हालांकि वो 8 मई को ही दिखाई पड़ेगी जब यहां वोटों की गिनती होगी। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर ये बोलना चाहूंगा कि लोगों के मन में जिस तरीके से राज्य के अंदर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, स्थायित्व एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लगता था कि लोगों के अंदर इसको लेकर काफी निराशा है और लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चुनावों से पहले जो हमने रैलियां देखी थी, चुनावी रैलियां देखी थी, उनमें भी बहुत ज्यादा लोग रैलियों में नहीं आते थे। अगर मैं गांवों की बात करूं, दूर दराज के इलाकों की बात करूं, वहां लोग जरूर आते थे, लेकिन शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेताओं को जनता के मन में यह विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि हम आपके जनप्रतिनिधि हैं और हम आपकी सेवा के लिए ही विधानसभा जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विश्वास जब तक नहीं आएगा, जब तक शायद जनता लुभावने वायदों पर सिर्फ विश्वास नहीं करेगी, वादे और दावों पर विश्वास नहीं करेगी, जनता के बीच में और नेताओं के बीच में सामंजस्य गहरा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहेंगे चलते चलते मंजीत, जिस तरह से आपने मुद्दों की बात करी, तमाम हमारे जो संवाददाता है बता रहे हैं कि स्थायित्व का मुद्दा है, विकास का मुद्दा